या इंडिया में ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। इसी को ढूंढने के लिए 7 दिन पहले मैं चालू करता हूँ एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर पूरे स्क्रैच से। इन 7 दिनों के अंदर अंदर मुझे एक प्रोडक्ट ढूंढना है, एक वेबसाइट बनानी है और सेल्स लाने। और लेट्स जस्ट से कि ये चैलेंज थोड़ा क्रेजी हो गया। तो दिन की शुरुआत मैंने दमदार चाय से की। फिर बारी थी ड्रॉप शिपिंग के सबसे मजेदार टास्क की, प्रोडक्ट ढूंढना। और प्रोडक्ट ढूंढने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना गूगल से पूछा जाए। ओके गूगल, ड्रॉप शिपिंग कैसे स्टार्ट करें? ड्रॉप शिपिंग या स्कैमिंग? तो सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट क्राइटेरिया लिस्ट की तैयारी की और उसी लिस्ट के हिसाब से मैं अपना प्रोडक्ट चूज करने वाला था। पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वैसा प्रोडक्ट मिलना बहुत मुश्किल था। इसलिए अगले 5 घंटे तक मैं प्रोडक्ट हर जगह ढूंढता रहा। फाइनली मुझे ये प्रोडक्ट मिला। तो ये बेसिकली एक मैग्नेटिक क्लिप ऑन सनग्लासेस है जो मुझे बहुत पसंद आया और ये प्रोडक्ट मेरे क्राइटेरिया लिस्ट को भी मैच कर रहा था। तो हमने प्रोडक्ट ढूंढ लिया था और अब बारी थी अगले स्टेप की। तो मैंने प्रोडक्ट तो चूज कर लिया था, लेकिन अब बारी थी एक सप्लायर को ढूंढनी। तो मैंने ड्रॉप शिपिंग ऐप्स जैसे CJ, सेंड्रॉप, USAndrop और अली एक्सप्रेस पे थोड़ी रिसर्च की, लेकिन इसका एक प्रॉपर सप्लायर मुझे नहीं मिला। थोड़ी देर और ट्राई करने के बाद में मुझे DSLs के सप्लायर के थ्रू मिला। ये प्रोडक्ट की कॉस्ट $20 थी प्लस शिपिंग और इसको मैं अराउंड $45 पे बेचने वाला था। वेल, $25 का प्रॉफिट हुआ। अब मुझे एक सप्लायर भी मिल चुका था और अब बारी थी वेबसाइट बनाने। एक मिनट, वेबसाइट बनाने से पहले मैंने कुछ और भी चीज़ें की। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट के लिए फोटोज, वीडियोस, गिफ्ट्स, ये सब सर्च करने लगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरे पास नहीं था। वेल, अभी है, उस टाइम पे नहीं था, इसलिए मैंने वही फोटोज लिए, उनको एडिट किया और मैं उन्हीं को अपने वेबसाइट में डालने वाला था। तो मुझे फोटोज वीडियोस ढूंढने में लिटरली 3 घंटे लग चुके थे और फिर मैं थक चुका था और फिर मैं सो गया। सुबह मैं बिना टाइम पास किए सीधा काम पे लग गया। मैंने मेरे स्टोर का नाम आर शेड्स रखा था, जो मुझे ChatGPT से आसानी से मिल गया था, और मेरा पेमेंट प्रोवाइडर स्ट्राइप था क्योंकि पेपाल इंडिया में चलता। तो अब बारी थी वेबसाइट बनाने की। तो मैंने मेरी वेबसाइट का काफी सिंपल डिजाइन, सिंपल आइडिया रखा था, सिर्फ फोटोज, वीडियोस, थोड़े से जिफ्स, थोड़े से मल्टी कॉलम्स और यू नो गारंटीड वगैरह वो सब चीजें डाली। मैंने ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं किया। जो कॉपी राइटिंग थी वो मैंने पूरी ChatGPT के हेल्प से ले ली थी और 4 घंटे में मेरी वेबसाइट तैयार हो चुकी थी। तो क्योंकि अब वेबसाइट बन गई थी, इसलिए मैंने एक पर्सनल Shopify डोमेन भी खरीद लिया, www.rshades.store, और अब हम लोग फेसबुक एड्स चलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। 4th दिन पे मैंने कुछ ज्यादा काम नहीं किया। मैंने खाली 2 ad creatives बनाए, एक फेसबुक अकाउंट, एक इंस्टाग्राम पेज बनाया और फिर मैं सो गया। 5वें दिन पे मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि आज मैं फाइनली अपने एड्स चलाने वाला था। इसलिए मैंने सबसे पहले अपनी वेबसाइट चेक की, अपने एड क्रिएटिव चेक की और मैं सीधा गया फेसबुक ऐप पे। और जैसे ही मैंने ऐड खोला, बैन, अकाउंट बैन। तो मैंने सोचा कि इस प्रॉब्लम को अपने दोस्त को बताता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है इसलिए। ओके गूगल, मेरा फेसबुक एड अकाउंट बैन हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए? 1 मिनट। देखा जाए तो ये सब नॉर्मल था क्योंकि ऐसा लोगों के साथ होता है। अब क्योंकि मेरा फेसबुक ऐड बैन हो गया था, इसलिए मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया और बेसिकली उसको रिव्यू होने में कम से कम 1 दिन लगता है, यानी कि मेरा एक और दिन। अभी सुबह हो गई और मुझे अभी मालूम पड़ा है कि मेरा ऐड अकाउंट वापस आ चुका है। इसी खुशी में मैंने सबसे पहले 2 ads डाले। दोनों एड्स को मैंने 500 का बजट दिया था और मैंने बेसिकली 3 countries को टारगेट किया था, UK, यूनाइटेड स्टेट्स और कैनेडा। प्रॉब्लम ये थी कि एड्स को भी रिव्यू में जाना पड़ता है, तो मेरे को 1 दिन और वेट करना पड़ा। तो 7वें दिन पे मैं उठा, मैंने मेरा फोन चेक किया और एड्स चालू थे। और अब बारी है रिजल्ट्स की। रिजल्ट्स बताने से पहले मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि मेरी ड्रॉप शिपिंग जर्नी अब तक कैसी रही है। तो बेसिकली ड्रॉप शिपिंग मैंने नवंबर में चालू की थी। मैंने इंस्टाग्राम पर एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर खोला था, लेकिन ऑफकोर्स इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम इतना मुश्किल है कि आप लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। ऐसे देखा जाए तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बहुत मुश्किल है क्रैक करना। तो बेसिकली मैंने 1 हफ्ते ट्राई किया, ऑफकोर्स मैं फेल हो गया। फिर मैंने 1 महीना और थोड़ा सा टाइम दिया खुद को, मैंने और यूट्यूब पे दूसरे चैनल से सीखा कि ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली में कैसे करते हैं। फिर फाइनली मुझे मालूम पड़ा कि टिकटॉक का एल्गोरिदम इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम से अच्छा है। तो बेसिकली मैंने टिकटॉक पर ड्रॉप शिपिंग चालू कर दी। टिकटॉक मैंने इंडिया में यूज़ किया था, मैं तुम्हें बताऊंगा आगे कि टिकटॉक तुम लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने 1 हफ्ता टिकटॉक पर ड्रॉप शिपिंग करने का ट्राई किया था। तो बेसिकली मेरा एक टॉय प्रोडक्ट था, उसका कॉस्टिंग ज़्यादा था, $45 का था वो,
तो जब मैंने उस प्रोडक्ट के वीडियोस टिकटॉक पर डाले, पहले दिन पे मेरे को 100 व्यूज़ आए, दूसरे दिन पे मेरे को 3 मिलियन व्यूज़, चौथे दिन पे 7 मिलियन व्यूज़। बेसिकली मेरे को टिकटॉक पे एक हफ्ते के अंदर 10K फॉलोअर्स और 7 मिलियन व्यूज़ आ चुके थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि मुझे एक भी सेल नहीं मिली। वहाँ पे देखा जाए तो मेरी गलती थी, मे बी मेरा प्रोडक्ट सही नहीं था, मे बी मेरी वेबसाइट सही नहीं थी। मेरे स्टोर्स पे कम से कम 1000 विजिटर्स आए थे लेकिन किसी ने बाय नहीं किया। फिर मैंने उस स्टोर को और मेरे टिकटॉक अकाउंट दोनों को बंद कर दिया था और मैंने एक महीने का और टाइम लिया। फिर मैंने थोड़ा फेसबुक ड्रॉप शिपिंग के बारे में सीखा और फेसबुक पे ड्रॉप शिपिंग करते हुए ये मेरा पहला टाइम है। तो अब बारी है रिजल्ट्स की। जैसे कि मैंने तुमको बताया, मैंने 2 ऐड डाले थे, 500 रुपीज़ का दोनों को बजट था। मैंने 3 कंट्रीज़ को टारगेट किया था, UK, USA, Canada। तो जब 24 घंटे पूरे हो चुके थे तब मेरे स्टोर पे 144 विजिटर्स आए थे, उसमें से मुझे 2 सेल मिली थी $96 की। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। तो पहले मैंने तुमको बताया था कि मेरे को इस प्रोडक्ट के लिए सप्लायर ढूंढना बहुत मुश्किल हुआ। मैंने बहुत सारे ऐप्स पे देखा लेकिन वहाँ पे एक प्रॉपर सप्लायर नहीं मिला। बट फाइनली मेरे को एक DSS के सप्लायर के थ्रू मिला। तो बेसिकली मैंने उसको जब रिक्वेस्ट डाला कि मुझे 2 सेल्स आई है, मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तब कुछ प्रॉब्लम हो गई। तब उसने मेरे को बेसिकली ये कहा कि शिपिंग का चार्जेस ज़्यादा लगेगा। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट $20 का मुझे आ रहा था वो $35 का आ रहा था, जो बहुत बड़ा डिफरेंस था। देखा जाए तो फिर भी मेरे को $10 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन क्योंकि उसमें शिपिंग टाइम और बहुत सारे चार्जेस, ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं रहने ही देता हूँ। तो बेसिकली देखा जाए ड्रॉप शिपिंग काम करती है, लेकिन प्रॉब्लम आज मेरे साइड से थी, इसलिए मैं ड्रॉप शिपिंग वापस चालू करूँगा। इंस्टाग्राम पे नहीं, फेसबुक पे नहीं, टिकटॉक पे करूँगा। एक हफ्ते के लिए मैं टिकटॉक पे ड्रॉप शिपिंग करूँगा और ये वीडियो इधर, और उसी वीडियो में मैं बताऊँगा कि तुम लोग इंडिया में टिकटॉक कैसे डाउनलोड कर सकते हो।